योगी राज में माँ बेटी अपनी पाकिस्तानी नागरिकता छुपाकर कर रही थी सरकारी नौकरी। योगी राज में अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़कर इस पाकिस्तानी मुस्लिम महिला ने की बड़ी गलती, अब तो ये जाएंगी ही जेल, लेकिन अधिकारियों पर भी चलेगा योगी का हंटर। जी हाँ दोस्तों, इस मामले की जानकारी जब योगी जी को हुई तो उन्होंने इन पर शिकंजा कसते हुए जाँच बैठाई है। ये मुस्लिम महिला रामपुर में शिक्षक के पद पर कार्यरत थी, तो वहीं बेटी भी बरेली में शिक्षिका थी। मामले की जाँच के बाद दोनों माँ बेटी को सस्पेंड कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मामले में अधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही की वजह से उन पर भी एक्शन लिया जाएगा और इस महिला का पाकिस्तानी होने का अब पर्दाफाश हो चुका है। क्या है पूरा मामला और इस महिला को अब पाकिस्तान भेजा जाएगा या नहीं, ये जानने के लिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यूपी में रामपुर के निवासी माहिरा उर्फ फरजाना साल 1992 में शिक्षिका के पद पर नियुक्त हुई थी। वहीं इसकी बेटी भी साल 2015 में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर नियुक्त हुई, लेकिन अब इनका पाकिस्तान से कनेक्शन निकला है और एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश भी हुआ है, जिसके बाद जांच के दौरान इनका पाकिस्तानी कनेक्शन पाया गया और इनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। बता दें कि माहिरा उर्फ फरजाना की शादी पाकिस्तानी युवक से हुई थी और शादी के बाद वो पाकिस्तान में ही रहने लगी थी। माहिरा को पाकिस्तानी नागरिकता मिलने के 2 साल बाद इसका तलाक हो गया था। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत का वीजा पाने के बाद महिला अपने बेटियों के साथ भारत आ गई और रामपुर में रहने लगी। वीजा एक्सपायर होने के बाद जब वो पाकिस्तान वापस नहीं गई तो उसके खिलाफ रामपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया और ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन ये मामला दबने के बाद पिछले साल जानकारी हुई कि माहिरा की बेटी की भी शिक्षा विभाग में नौकरी लग गई है। वहीं रामपुर एसपी के पत्र के बाद जांच शुरू की गई। जब माहिरा की बेटी की फाइल खुली तो उसके साथ ही माहिरा की भी फाइल खुल गई। माहिरा को नौकरी से बर्खास्त कर उनकी बेटी को भी सस्पेंड कर दिया गया है और जांच जारी है। बता दें कि योगी सरकार ने इस मामले में इन पाकिस्तानी माँ बेटी के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, इस तरह के पाकिस्तान प्रेमियों को क्या सजा होनी चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।